तो माइनक्राफ्ट की हिस्ट्री में माइनक्राफ्ट ने काफी सारे ब्लॉक्स इंट्रोड्यूस किए हैं, बट उसमें से मोस्टली काफी सारे ब्लॉक्स फालतू ही है, जैसे कि ये कोर्स डर्ट क्यूई है ये गेम में। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आज मैं कलेक्ट करने वाला हूँ मोस्ट इलीगल आइटम्स इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। एंड इन आइटम्स में से गाइस कुछ ऐसे भी आइटम होने वाले हैं जिनको सर्वाइवल में कलेक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एंड गाइस इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे मोर देन 2 वीक्स लग गए, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। तो गाइस हम जो अपने सबसे पहले इलीगल आइटम को कलेक्ट करने वाले वो होने वाला है एक मल्टी शॉट क्रॉसबो। बट अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मल्टी शॉट क्रॉसबो में इलीगल क्या है, बट क्या हो अगर वो मल्टी शॉट लेवल 12 हो। तो उसके लिए गाइस हमें चलना पड़ेगा माइनक्राफ्ट 3D शेयरवेयर वाले वर्ल्ड में। एंड भाई साहब ये वर्ल्ड हमारे वाले नॉर्मल वर्ल्ड से कितना ज्यादा अलग है। एंड ओ भाई साहब इस वर्ल्ड में मैं लिटरली F5 दबा के अपने आप को देख भी सकता हूँ। बट भाई ये मेरी मुंडी टेढ़ी क्यों है? ओके इस वर्ल्ड में एनिमल्स भी है, लेकिन ये पिक टेढ़ा क्यों चल रहा है भाई? ये पिक तो पेपर का बना हुआ दिख रहा है। अपना काम कर रहा, ज्यादा बोल रहे हैं, ज्यादा बोल रहे हैं, निकल। तो अभी जो हमें मल्टी शॉट लेवल 12 क्रॉसबो चाहिए वो हमें इन बैरल्स के अंदर मिलेगी, जिसके अंदर रैंडम सामान जनरेट होते रहते, तो हो सकता है इसी के बीच हमें कई रैंडमली वो भी मिल जाए। तो चलो ढूंढते। तो ओके मल्टी शॉट क्रॉसबो का तो पता नहीं, बट हमें यहाँ पे एक लक पोशन मिल चुका है जिसे आज के टाइम पे हम सिर्फ क्रिएटिव में ऑब्टेन कर सकते हैं। एंड इसका गाइस अगर मैं आपको यूज बताऊँ तो इसको पीने से हमारे लूट के चांसेस बढ़ जाते हैं फिशिंग और चेस्ट को लूटते टाइम पे। बट यार इतने बैरल्स को ढूंढने के बाद भी अभी तक मुझे मल्टी शॉट क्रॉसबो लेवल 12 मिली नहीं है, तो आई थिंक मुझे और थोड़ी देर ढूंढना पड़ेगा। एंड लेट्स गो गाइस, फाइनली हमें मल्टी शॉट लेवल 12 वाली क्रॉसबो मिल चुकी है। एंड गाइस अगर अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ नाम की है, तो ऐसा है नहीं, ये उतनी ज्यादा तगड़ी भी है। एंड गाइस अब टाइम आ चुका है इन सारे इलीगल आइटम्स को अपने वर्ल्ड में ट्रांसफर करने का। एंड लेट्स गो गाइस, फाइनली हमने इन सारे सामान को अपने हार्डकोर वर्ल्ड में ले लिया है। एंड गाइस अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं सबसे इजीएस्ट इलीगल आइटम के साथ, एंड इसे हम धीरे धीरे हार्डेस्ट इलीगल आइटम तक भी लेके जाएंगे। एंड अब टाइम आ चुका है हमारे अगले इलीगल आइटम को कलेक्ट करने का, जो कि डर्ट से रिलेटेड ही है। एंड ये कुछ और नहीं एक फार्म लैंड है, जिसे इंटरनेट के मुताबिक हम सर्वाइवल में कलेक्ट नहीं कर सकते, बट क्या हो अगर मैं कहूँ कि मैं इसे कलेक्ट कर सकता हूँ। उसके लिए गाइस हमें चलना पड़ेगा 1 ब्लॉक एट अ टाइम अपडेट में। एंड एक ऐसा वर्जन है जहाँ पे मेरे पास दोनों हाथ होने वाले, यानी कि ठाकुर की तो पक्का जलने वाली है। मुझे क्यों तोड़ा? एंड इस वर्जन में मैं कोई भी ब्लॉक को पकड़ सकता हूँ, एंड पकड़ ही नहीं मैं उसे फेंक भी सकता हूँ, सॉरी। एंड मैं सिर्फ ब्लॉक्स को नहीं मॉब्स को भी उठा सकता हूँ, भाई पूरी बाहुबली वाली फीलिंग आ रही है। एंड मैं ब्लॉक्स को फेंक सकता हूँ तो इसको भी फेंक ही सकता हूँ। ओ भाई साहब ये क्या हुआ यार, ये मुझे एक और बार करना है, लेट्स सी क्या एक और बार फेंकने पे ऐसा कुछ होगा। ओ भाई ये कितना ज्यादा तगड़ा है यार, यार ये पिक को उठा के फेंकने पे भी कुछ होना चाहिए यार, नहीं हुआ। एंड आई थिंक आप समझ चुके हैं कि हम क्या करने वाले। तो ओके हम एक विलेज में आ चुके हैं, भाई साहब बताओ आपका फार्म किधर है? लेकिन उससे पहले गाइस फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वरना मैं ये फेंक के मारूंगा। क्या हो अगर मैं इसे भी उठा सकूं? ओ भाई साहब मैंने लिटरली इस लोहे के डब्बे को भी उठा लिया। बट इस वर्जन में मैं क्या करने आया हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ? तो हमें फटाफट से एक फार्म ढूंढना पड़ेगा, जो कि आई थिंक इस विलेज में है ही नहीं। भाई क्या नल्ला विलेज है ये सब, ना इन विलेजर्स की गलती है, इनको सजा देना तो बनता है, लेकिन ये ना बहुत बचाता है ना इनको। एक काम करते इसी के मुंह पे फेंक के मारते। ओ भाई ये भड़क गया, नहीं भागो यहाँ से। तो हम आ चुके एक और एक डेजर्ट विलेज के अंदर, एंड यहाँ पे एक फार्म है। तो अगर मैं इस ब्लॉक को तोड़ता हूँ तो हम फाइनली फार्मलैंड ब्लॉक को ऑब्टेन कर लेंगे। तो इसे अगर मैं अपने सर के ऊपर फेंकता हूँ तो ये मेरे सर पे लग जाएगा। एंड भाई मैं कितना ज्यादा अजीब लग रहा हूँ। एंड अब हम इसे इजीली लेके आ चुके हमारे हार्डकोर वर्ल्ड के अंदर। एंड अब जो हमारा अगला इलीगल आइटम हम ऑब्टेन करने वाले वो होगा एक इंचेंटेड गोल्डन एप्पल। पता नहीं इसका नाम इतना हार्ड क्यों है, मैं इसे 3 बार बोलने का ट्राई करता हूँ। इंचेंटेड गोल्डन एप्पल, इंचेंटेड रहने देता हूँ। तो इसे ऑब्टेन करने के लिए गाइस हमें चलना पड़ेगा 12W49A में, एंड हमें थोड़ी सी बेसिक ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी। तो हमारे पास बेसिक सा सामान तो आ चुका है। एंड एक इंचेंटेड गोल्डन एप्पल को बनाने के लिए हमें 8 ब्लॉक ऑफ गोल्ड की जरूरत होगी, यानी कि 72 गोल्ड। तो काफी ज्यादा टाइम जाने वाला है। तो फाइनली गाइस मैंने इनफ गोल्ड कलेक्ट कर लिए हैं, अब इन सबको ब्लॉक्स में कन्वर्ट करते हैं। एंड लग गया था एक इंचेंटमेंट टेबल भी क्राफ्ट करते हैं। अब एक इंचेंटेड गोल्डन एप्पल के लिए मुझे एप्पल की भी जरूरत होगी। ओके ये रहा, अब हमें आजू बाजू रखने गोल्ड के ब्लॉक, बीच में रखना एक एप्पल, और ये एक इंचेंटेड गोल्डन एप्पल बन जाएगा। तो बस हमें एक बुक को इंचेंट करना है। एंड अगर मैं इस इंचेंटेड गोल्डन एप्पल को किसी बुक से कंबाइन करूं तो ये एक इंचेंटेड गोल्डन एप्पल बन जाएगा। तो फाइनली अब टाइम है इसे अपने हार्डकोर वर्ल्ड में लेके जाने का। तो इसको यहाँ पे रख देते हैं। एंड टना फाइनली गाइस हमारे पास इंचेंटेड गोल्डन एप्पल भी आ चुका है। अब जो गाइस हम अपना अगला इलीगल आइटम कलेक्ट करने वाले हैं वो शायद ही किसी ने सोचा होगा, एंड वो है एक बैरियर ब्लॉक। बट अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि बिना कमांड के तो बैरियर ब्लॉक लिया ही नहीं जा सकता, लेकिन अगर मैं चलता हूँ 20W16A के अंदर, एंड एक पहला स्नैपशॉट है जिसमें बैस्टन ऐड हुए थे। तो अगर मैं एक पोर्टल बिल्ड करके नेदर में जाता हूँ एंड एक बैस्टन को ढूंढता हूँ, तो यहाँ पे हमें एक लावा बेसिन मिलेगा। एंड इस लावा बेसिन को क्लियर करने पे हो सकता है हमें एक बैरियर ब्लॉक मिल जाए।
एंड आई थिंक सो हमें एक बैरियर ब्लॉक मिल चुका है, और ये यहाँ ऐसा क्यों है ये मुझे नहीं पता। तो अगर मैं इस तरीके का एक कॉन्ट्रैप्शन बिल्ड करता हूँ एंड चलता हूँ सीधा वन ब्लॉक एट अ टाइम अपडेट में, जहाँ पे मेरे पास दो दो हाथ है, और अगर मैं इस बटन को दबाता हूँ तो मैं फाइनली बैरियर ब्लॉक को ऑब्टेन कर सकता हूँ, वो भी सर्वाइवल में। तो इसे मैंने अपने सर पे लगा दिया है, अब इसे भी लेके चलते हैं हमारे हार्डकोर वर्ल्ड में। अब बाकी के सारे इलीगल आइटम को कलेक्ट करने से पहले मैं सोच रहा हूँ एक बढ़िया सा वॉल्ट बनाया जाए, जहाँ पे आज हम जितने भी इलीगल आइटम्स कलेक्ट करेंगे उसे वहाँ पे प्लेस करेंगे। बट उससे पहले हमें काफी सारे सामान भी कलेक्ट करने पड़ेगा, तो चलो कर लेते। सो कि मेरे पास बेसिक सा सामान तो था ही, और जो नहीं था उसे मैंने कलेक्ट कर लिया है। एंड अब टाइम है एक बढ़िया से वॉल्ट को बिल्ड करना, तो देर किस बात की, फटाफट से बनाना शुरू करते। एंड फाइनली गाइस हमारा इलीगल आइटम वॉल्ट बन के रेडी हो चुका है। अब इसमें सारे आइटम्स लगा देते। अब बढ़ते गए हमारे अगले इलीगल आइटम पे, जो कि होने वाला है एक स्नोई ग्रास ब्लॉक, जिसे बहुत से लोगों ने ऑप्टेन किया है बट किसी ने भी एज अ आइटम ऑप्टेन नहीं किया है। बट क्या हो अगर मैं इसे एज अ आइटम ऑप्टेन करके दिखाऊं, तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा 20W14 इनफिनाइट डायमेंशन स्नैपशॉट में। एंड अगर मैं एक पोर्टल बिल्ड करके एक बुक एंड क्विल क्राफ्ट करता हूँ एंड उसके अंदर कुछ भी रैंडम से लिख देता हूँ एंड उसे नेदर पोर्टल में फेंक देता हूँ, तो ये कोई और रैंडम से डायमेंशन हमें खोल के दे देगा। एंड भाई साहब लाइक शेयर सब्सक्राइब करने पे तो इसने लिटरली डायमंड वाले डायमेंशन को खोल दिया, तो इसी बात गाइस कर दो। बट अगर मैं एक और एक बुक एंड क्विल क्राफ्ट करके उस पे स्काई ग्रिड लिखता हूँ एंड फिर पोर्टल में फेंकता हूँ, तो ये एक ऐसी डायमेंशन खोल देगा जिसमें हर तरीके के ब्लॉक्स होंगे जो कि माइनक्राफ्ट में एग्जिस्ट करते, वो भी इंक्लूडिंग कमांड ब्लॉक्स एंड स्ट्रक्चर ब्लॉक। तो बस हमें स्नोई ग्रास ब्लॉक को ढूंढना है एंड अपने वर्ल्ड को कन्वर्ट करना है वन ब्लॉक एट अ टाइम में। एंड अगर मैं इस ब्लॉक को तोड़ता हूँ तो मैं स्नोई ग्रास ब्लॉक को उठा सकता हूँ। बट अभी आपको एक माइसेलियम दिख रहा होगा, बट जैसे मैं थर्ड पर्सन व्यू में जाऊँ तो ये हमें स्नोई ग्रास ब्लॉक दिखता है। तो फाइनली हमने स्नोई ग्रास ब्लॉक को भी ऑब्टेन कर दिया है। यार मैंने गलती से प्लेस कर दिया, नहीं बट उससे पहले मैंने ऑलरेडी इसे काफी सारा ड्यूप करके रखा है। अब जो हमारा अगला इलीगल आइटम है वो है एक सेट ऑफ आर्मर, बट वो भी सारे एन्चेंटमेंट के साथ जो कि माइनक्राफ्ट में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हम एक टाइम पे एक ही तरीके की प्रोटेक्शन एन्चेंटमेंट लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा 1.14.2 में, एंड इसमें मुझे काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि इस वर्जन में मुझे लिटरली ड्रैगन को हराना पड़ेगा। तो लगते हैं काम पे। एंड फाइनली ड्रैगन खत्म। अब गाइस बढ़ते सबसे टफेस्ट पार्ट की तरफ, जो कि एक इलीगल आर्मर, वो भी सारे एन्चेंटमेंट के साथ। एंड आपको तो पता है नॉर्मल एन्चेंटेड आर्मर लेने में भी काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, तो आप ही लोग सोचो कि एक ऐसा आर्मर जिसमें सारे एन्चेंटमेंट है उसको लेने में कितना टाइम लगेगा। बट उसे लेने के लिए मेरे पास काफी बढ़िया प्लान है, जिसमें मुझे सबसे पहले काफी सारी एंशिएंट सिटीज को लूटना पड़ेगा, जिसमें मुझे काफी अलग अलग एन्चेंटमेंट के साथ आर्मर मिल जाएंगे। बट उससे पहले इलाइट्रा ले लेते हैं, क्योंकि इलाइट्रा से काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। एंड मैं लकीली कुछ रॉकेट्स भी बना के लाया हूं, एंड अगर मैं चल के सिटीज को लूटता तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। वो तो अच्छा हुआ मेरे पास इलाइट्रा था, जिससे ये काफी ज्यादा इजी हो गया। एंड काफी देर की लूटपाट मचाने के बाद फाइनली मेरे पास करीब कुछ इतने सारे आर्मर पीस आ चुके थे, वो भी अलग अलग एन्चेंटमेंट्स के साथ। अब गाइस नेक्स्ट स्टेप के लिए मुझे काफी सारे एक्सपी की जरूरत थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एंडरमैन एक्सपी फार्म बिल्ड किया जाए, जिसके लिए मुझे काफी कम सामान चाहिए, जैसे कि काफी सारे लीव्स एंड एक बकेट लावा की। अब बस मुझे यहाँ पे लावा प्लेस करना है एंड वेट करना है लावा के नीचे पहुंचने तक का। अब लावा के नीचे पहुंचते मुझे यहाँ पे पानी डालना है, ताकि जितना भी लावा है वो कोबलस्टोन में कन्वर्ट हो जाए। अब मुझे सबसे नीचे वाले ब्लॉक पे लीव प्लेस करना है एंड इसे 128 ब्लॉक्स दूर लेके जाना है। अब मुझे अब 11x22 का प्लेटफॉर्म बिल्ड करना है, जिसके बीच में मुझे प्लैंक्स ही फिल करना है। एंड फाइनली गाइस हमारा एंडरमैन एक्सपी फार्म बनके रेडी हो चुका है, बस मैं यहाँ पे एन्चेंटमेंट टेबल सेटअप कर दूं। एंड अगर गाइस मैं यहाँ पे दोनों अलग अलग प्रोटेक्शन लेवल एन्चेंटमेंट को कंबाइन करने का ट्राई करूं, तो इस वर्जन में मैं लिटरली कंबाइन कर सकता हूं। तो बस अभी हमें यहाँ पे AFK करते हुए काफी सारे एक्सपी कलेक्ट करना है, अपने लिए तगड़ा सा इलीगल आर्मर प्रिपेयर करना है। तो चलो लग जाते हैं काम पे। एंड कई घंटों की मेहनत के बाद गाइस फाइनली अब हमारे पास सारे एन्चेंटमेंट के साथ एक इलीगल डायमंड आर्मर आ चुका है। अब गाइस जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है दो मेंडिंग की बुक को लेना, क्योंकि हमारे चेस्ट प्लेट और बूट्स पे मेंडिंग नहीं लगी हुई है। तो अभी मैं यहाँ पे इस बेरोजगार को रोजगार देने का ट्राई कर रहा हूँ, होप करते कि हमें मेंडिंग की बुक दे दे। A few moments later. तो okay, हमें काफी जल्दी मेंडिंग की बुक मिल चुकी है। दो के लिए हमें टोटल 60 एमरल्ड्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, तो चलो फिर थोड़ी सी मजदूरी करके आते। एंड फाइनली मेरे पास इनफ एमरल्ड्स हो चुके हैं, तो चलो इससे दो मेंडिंग की बुक ले लेते एंड इसे अब फटाफट से अपने आर्मर पे लगा देते।
एंड गाइस अब टाइम है इस इलीगल आर्मर को अपने हार्डकोर वर्ल्ड में लेके जाने का। एंड लेट्स गो गाइस, फाइनली हमने इस इलीगल आर्मर को भी ऑब्टेन कर लिया है। बट ये डायमंड का आर्मर है, मैं चाहता हूँ इसे नेदरराइट में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैं आ चुका हूँ नेदर में थोड़ी सी एंशिएंट डेब्रिस की माइनिंग करने के लिए। अब इसमें लगे हाथ गोल्ड के ट्रिम भी लगवा देते। एंड लेट्स गो गाइस, फाइनली अब अपने पास गेम का द मोस्ट इलीगल आर्मर भी आ चुका है। एंड गाइस अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं, आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो कर देना, लेट्स एम फॉर 10,000 लाइक। अब जो गाइस हम कुछ अगले इलीगल आइटम्स को ऑब्टेन करने वाले, उसे बिना कमांड के ऑब्टेन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट उसे भी मैंने सर्वाइवल में ऑब्टेन करने का तरीका ढूंढ लिया है। सो उसके लिए हमें फिर से चलना पड़ेगा 20W14 इन्फिनिट डायमेंशन स्नैपशॉट में। एंड यहाँ पे हमें थोड़े से बेसिक से मटेरियल कलेक्ट करने पड़ेंगे ब्लॉक्स को ऑब्टेन करने के लिए। एंड फिर से हम यहाँ पे स्काई ग्रिड वाला पोर्टल ओपन करना है। आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी कमांड ब्लॉक्स है। एंड उसके बाद सारे कमांड ब्लॉक्स एंड कुछ और इलीगल ब्लॉक्स को ढूंढ के मैं सेम कॉन्ट्रेप्शन बना देता हूँ जो कि मैंने बैरियर ब्लॉक के लिए बनाया था। तो हमें जो भी इलीगल आइटम इस वर्ल्ड से लेके जाना है, तो मैंने सारे कॉन्ट्रेप्शन रेडी कर लिए हैं। अब टाइम है सीधा चलने का वन ब्लॉक एट अ टाइम में। यहाँ पे हमारे पास फिर से दो हाथ आने वाले जो कि ठाकुर के पास नहीं है। अरे बस कर भाई। और अब अगर मैं इस बटन को दबाता हूँ तो मैं कमांड ब्लॉक्स को भी कलेक्ट कर सकता हूँ। एंड साथ ही मुझे आप एक स्ट्रक्चर ब्लॉक, जिग्सॉ ब्लॉक, एक एंड पोर्टल फ्रेम वो भी आई ऑफ एंडर के साथ और एक ड्रैगन का एग भी मिलता है जिसे मैं लेके आ जाता हूँ। अब बढ़ते गए हमारे अगले इलीगल आइटम की तरफ जो कि होने वाला है एक नेथराइट के बूट्स। बट अभी आप लोग बोलोगे कि नेथराइट बूट्स में क्या इलीगल है, बट क्या हो अगर वो नेथराइट बूट्स की ड्यूरेबिलिटी माइनस में हो। तो उसके लिए हम सबसे पहले आ चुके एक बैस्टियन में थोड़ी सी एंशिएंट डेब्रिस की तलाश में। तो इससे अब एक नेथराइट का इंगट बना के अपने बूट्स को नेथराइट में कन्वर्ट करते। अब मैं इन पिग्रिंस को थोड़ी सी लालच दे रहा हूँ ताकि ये मुझे सोल स्पीड 3 वाली बुक दे दे। होप करते यार ये सोल स्पीड 3 वाली बुक को, लेट्स गो, हमें मिल चुकी है। अब इसे फटाफट से अपने बूट पे लगा देते। अब उसके बाद गए हमें अपने वर्ल्ड को डाउनग्रेड करना है टू 20W11। और इस वर्जन में अगर मैं सोल सैंड प्लेस करके उस सोल सैंड के ऊपर भागता हूँ तो काफी टाइम के बाद हो सकता है हमारी बूट्स की ड्यूरेबिलिटी माइनस में चले जाए। तो चलो फिर भाग मिलकर भाग बनना शुरू करते। एंड फाइनली गाइस हमारे नेगेटिव ड्यूरेबिलिटी वाले बूट्स रेडी है, तो ये लग गया यहाँ पे। अब जब हम अपने अगले इलीगल आइटम को कलेक्ट करेंगे वो होगा एक मिल्क। बट अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मिल्क भी कब से इलीगल हो गया, बट क्या हो अगर वो मिल्क एक स्क्विड दे तो। और ऐसा क्यों हो रहा है ये तो मुझे भी नहीं पता। तो उसके लिए हम आ चुके हैं माइनक्राफ्ट बीटा 1.2 में जहाँ पे हार्डकोर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हमें फिर से थोड़े से बेसिक से मटेरियल कलेक्ट करने हैं। अब हमें एक बकेट क्राफ्ट करनी है और वो रही हमारी स्क्विड। और अगर मैं सही वर्जन में हूँ तो हो सकता है हमें मिल्क मिल जाए। ओ भाई साहब, मैंने लिटरली स्क्विड का मिल्क कलेक्ट किया। तो ये रहा हमारा स्क्विड का मिल्क एंड ये आ चुका है हमारे वाले वर्ल्ड में। अब टाइम है गाइस एक प्रोटेक्शन 5 वाली बुक को लेने का, जिसके लिए हम आ चुके 1.14 के अंदर। एंड हमें फिर से थोड़ी सी बेसिक सी ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी। अब बस मुझे इन विलेजर्स को लाइब्रेरियन की जॉब देना है एंड इनसे कोई भी लेवल 5 वाली बुक ऑब्टेन करना है। ओके लेट्स गो, मिल गया। अब इस लेवल 5 वाली बुक को लेने के लिए हमें थोड़ी सी मजदूरी करनी पड़ेगी। ये बन गई थोड़ी सी स्टिक। अब इन्हें बेच के थोड़े से एमरल्ड लेते। तो चलो फाइनली मेरे पास इनफ एमरल्ड हो चुके हैं। तो ये आ गई हमारी पावर 5 वाली बुक। और अब अगर मैं इस वर्ल्ड को डाउनग्रेड करता हूँ टू 18W22A और फिर मैं यहाँ पे चेस्ट लगा के इसके अंदर ये पावर 5 वाली बुक को रख देता हूँ। एंड फिर अगर मैं इस वर्ल्ड को अपडेट करता हूँ टू 18W22B तो हमारी ये बुक जो है प्रोटेक्शन 5 में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसे अपने आर्मर पे क्यों नहीं लगा देता, तो आर्मर पे लगाते ये प्रोटेक्शन 4 में ही बन जाता है। तो हमारा एक और इलीगल आइटम डन। बट अभी भी गाइस यहाँ पे काफी सारी स्पेस बाकी है इलीगल आइटम्स के लिए। एंड अब हमारा जो अगला इलीगल आइटम है इसे मैंने पहले ही क्राफ्ट कर लिया था, बट इसे मैं अपने वर्ल्ड में लाना ही भूल गया एंड वो वर्ल्ड डिलीट भी हो गया। एंड वो है एक फेदर फॉलिंग वाला इंचेंटेड आर्मर। तो हम आ चुके बीटा प्री रिलीज 3 में एंड हमें यहाँ पे फिर से थोड़ी सी बेसिक सी ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी। एंड पता नहीं मैं कितनी बेसिक सी ग्राइंडिंग करने वाला हूँ। अब मुझे ढूंढने काफी सारे डायमंड, जिसमें से अगर मुझे एक भी मिल जाएगा तो मैं इजीली ड्यूप करके ले लूंगा। ओके लेट्स गो, हमें यहाँ पे डायमंड्स मिल चुके, जो कि हमें अराउंड 5 डायमंड्स मिल चुके, जिसे भी अभी हम एक झटके में एक स्टैक डायमंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसे अब हम फटाफट से अपने लिए आर्मर और डायमंड की पिकेक्स और स्वॉर्ड बना लेते। अब आपको सामने दो ग्लास के पिलर नजर आ रहे होंगे जो कि स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर जाने का रास्ता है। देखते ये वाला पिलर हमें कहाँ लेके जाता है। ओके हम एंड पोर्टल वाले रूम में पहुंच चुके। अब गाइस मुझे एक्सपी कलेक्ट करनी है एंड मैंने इन सिल्वर फिश को मार के देख लिया, बट ये मुश्किल से 1 एक्सपी दे रहे, तो ऐसे तो चलने नहीं वाला। तो मेरे पास एक काफी बढ़िया सा प्लान है, बट उससे पहले हम एक एन्चेंटमेंट टेबल क्राफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पे बुकशेल्फ लगा के अपने एन्चेंटमेंट टेबल को सेटअप कर देते। एंड अगर मैं अपने वर्ल्ड को बीटा प्री रिलीज 1 में डाउनग्रेड करता हूँ तो जंप करने पे मुझे एक्सपी मिलने लगेगी। और बीटा प्री रिलीज 1 में जाते ही मेरे OBS ने नखरे दिखा दिए और उसने कोई भी क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं किया। बट मैंने कुछ भी ऐसा ज्यादा खास किया नहीं सिवाय एक्सपी कलेक्ट करने के। तो प्री रिलीज 3 में आते ही मेरे पास 55 एक्सपी हो चुकी थी एंड मेरा हार्डकोर वर्ल्ड फिर से सर्वाइवल में कन्वर्ट हो
चुका था। तो अब इन्हीं एक्सपीज का यूज करके मुझे फटाफट से अपने पूरे आर्मर पे इंचेंटमेंट लगाना था। एंड इस वर्जन में लिटरली इंचेंटमेंट करने पे अपने आर्मर पे इंचेंटेड लिख के आता है। तो अगर मैं अपने वर्ल्ड को अपग्रेड करता हूँ टू बीटा प्री रिलीज 4 में, तो इस वर्जन में आते हमारे इंचेंटेड आर्मर फेदर फॉलिंग 1 वाले आर्मर में बदल जाएंगे। तो ये लग गए हमारे चारों आर्मर की पीस यहाँ पे। अब टाइम है एक ऐसे आइटम को ढूंढने का जिसका कोई नाम ही नहीं है, एंड वो है एक नेमलेस डिस्क, जिसे लेने के लिए हम आ चुके हैं 12W41A में। एंड हाँ, वही फिर से बेसिक सी ग्राइंडिंग। अभी हमें काफी सारे आयरन चाहिए क्योंकि हमें एक एनविल भी क्राफ्ट करना है। तो गाइस, डिस्क लेने के लिए मैंने यहाँ पे सारा कॉन्ट्रैप्शन रेडी कर लिया है। बस यहाँ पे मुझे कैसे भी करके एक स्केलेटन और क्रीपर को फंसाना है, और एक स्केलेटन यहाँ पे ऑलरेडी है। होप करते हैं यार ये एक ही बार में चले जाए। लेट्स सी। ओके, चले गया। अब टाइम है इस हरे पुदीने को, क्रीपर को लेके जाने का। ये तो बुद्धू है यार, एक ही बार में चले जाना चाहिए। नहीं भाई, ये कैसे नहीं गया यार? यार चले जाए यार, कितना दौड़ाएगा भाई, चले भी जा। ओके लेट्स गो, चले गया। तो अब जैसे मैं क्रीपर के सामने आऊंगा, जो स्केलेटन है मुझे अटैक करने जाएगा, बट वो एरो जो है क्रीपर को लगेगी, एंड एक टाइम के बाद क्रीपर मर जाएगा एंड हमें इजीली डिस्क मिल जाएगी। तो स्केलेटन तेरा काम हो गया। बस अभी हमें फटाफट से एक एनविल को क्राफ्ट कर लेना है। ये क्या हो गया भाई? आई थिंक इस वर्जन में एनविल की रेसिपी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो हमें अपने वर्ल्ड को अपग्रेड करना पड़ा टू 1.14, एंड आई थिंक इसमें हम एनविल बना सकते हैं। लेट्स गो। अभी हमें फिर से अपने वर्ल्ड को डाउनग्रेड करना है। एंड अब अगर मैं इस एनविल में डिस्क डालता हूँ एंड यहाँ से इसके नेम को रिमूव कर देता हूँ, तो मैं लिटरली इस वर्जन में नेमलेस डिस्क ऑब्टेन कर सकता हूँ। तो हमारा एक और एक इलीगल आइटम डन। अब गाइस, अपने अगले इलीगल आइटम के लिए हम फिर से आ चुके हैं 3D शेयरवेयर में, जहाँ से मैं एक आइटम ऑब्टेन करना भूल चुका हूँ, जो कि एक अनक्राफ्टेबल पिंक पोशन, जो कि माइनक्राफ्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। एंड ये भी हमें इन बैरल्स के अंदर ही मिलेगा। ओके लेट्स गो, हमें काफी जल्दी पिंक पोशन मिल चुका है। अब इसे ट्रांसफर करते हैं हमारे वर्ल्ड में, एंड ये लग गया यहाँ पे। तो अब तक गाइस, माइनक्राफ्ट में टोटल 7 हेड्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से हम सिर्फ 6 ही ऑब्टेन कर सकते हैं सर्वाइवल में, सिवाय एक के, जो कि एक प्लेयर हेड। बट क्या हो अगर मैं कहूँ कि मैं उसे भी सर्वाइवल में ऑब्टेन कर सकता हूँ? तो उसके लिए गाइस, हम आ चुके फिर से वन ब्लॉक एट अ टाइम अपडेट में, जिसमें आज हम स्पीड रन करने वाले। तो हमें सबसे पहले चिकन ढूंढना है, ताकि हम इजिली फ्लाई करके अपने लिए एक रुइन पोर्टल ढूंढ सके। आई थिंक सो, हमें एक रुइन पोर्टल मिल चुका है। अब फटाफट से कर लेते इस पोर्टल को रिपेयर। ये हो गया लाइट अप, एंड अब अपने चिकन के साथ सीधा चलते हैं नेदर वर्ल्ड के अंदर। अब यहाँ पहुंचते गए हमें सबसे पहले नेदर फोर्ट्रेस ढूंढना पड़ेगा, जो कि इस चिकन के सारे काफी ज्यादा इजी हो चुका है। होप करते मैं पहुंच जाऊँ। लेट्स गो। एंड यहाँ हम इसलिए आए क्योंकि इस वर्जन में लिटरली इसके चेस्ट के अंदर से हमें एंड पोर्टल फ्रेम्स मिलने वाले, जिसका यूज करके हम इन्हें एक एक लगा के अपने लिए एंड पोर्टल बिल्ड कर सकते। तो इस चेस्ट को उठाते हैं, यहाँ से हमें एक और एक फ्रेम मिल गया, एंड अभी कैसे एक लास्ट फ्रेम बाकी, एंड फाइनली हमारा पोर्टल रेडी होने वाला है। लेट्स गो। तो चलो फिर हमारी प्यारी सी मुर्गी उठा के चलते सीधा एंड वर्ल्ड में। एंड गाइस, अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हम तो प्लेयर हेड ढूंढने आए थे और हम एंड वर्ल्ड में क्यों आए? तो इस वर्जन में एंड वर्ल्ड पे पहुंचते यहाँ पे एंडरमैन जो है कोई भी रैंडम सा सामान अपने हाथ में ऑब्टेन करते, जिसमें काफी ज्यादा चांस है कि इन एंडरमैन के हाथ में हो सकता है एक प्लेयर हेड हो, एंड वो कुछ ही देर में प्लेस भी कर दे। तो बस हम यहाँ पे वेट करते हुए ढूंढना पड़ेगा कि कब ये शुभ मौका आता है। A few moments later. तो अभी यार यहाँ पे घूमते घूमते मुझे आधे घंटे से ज्यादा हो चुका है, प्लेयर हेड का तो अता पता कहीं है ही नहीं यार। वेट, वो छोटा सा क्या नजर आ रहा है? एक मिनट। ओ भाई साहब, फाइनली गाइस किसी एंडरमैन ने प्लेयर हेड ड्रॉप कर दिया है, एंड आई होप कि मैं इसे ऑब्टेन कर सकता हूँ। लेट्स गो। एंड फाइनली गाइस, इसे मैंने अपने सर पे पहन लिया है, एंड मैं लिटरली काफी ज्यादा फनी दिख रहा हूँ। एंड इस वर्जन की गाइस एक और एक खास बात की, ड्रैगन के पर्च करते ही इस वर्जन में हम लिटरली ड्रैगन के ऊपर बैठ सकते हैं, एंड ये इसी तरीके से उड़ाते उड़ाते हमें सीधा लेके चले जाएगा ओवर वर्ल्ड के अंदर। भाई रुक जा, रुक जा भाई, अरे सामने पहाड़ है भाई, रुक भी जा। तो फाइनली गाइस, हमने प्लेयर हेड को भी ऑब्टेन कर लिया है, एंड इसे लेके आ जाते हैं हमारे हार्डकोर वर्ल्ड में। तब ये भी लग गया यहाँ पे। अब गाइस, अपने वर्ल्ड को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे दो इलीगल आइटम्स लगाना बाकी है, जिसमें से एक इलीगल आइटम गाइस हमने ऑलरेडी पहले ऑब्टेन कर लिया था, एंड वो कुछ और नहीं एक मॉन्स्टर स्पॉनर है। एंड इससे ज्यादा कोई इलीगल हो सकता है क्या? अब गाइस, हमारे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही इलीगल आइटम के लिए जगह बाकी है, जिसके लिए मैं सोच रहा हूँ कुछ एक ऐसा इलीगल आइटम ढूंढा जाए जो कि बाकी सारे इलीगल आइटम से काफी ज्यादा तगड़ा हो। एंड मैं फिर से सोच रहा हूँ बेडरॉक कलेक्ट करने का। एंड वैसे तो गाइस, हमने इलीगल नेदर पोर्टल के टाइम पे बेडरॉक कलेक्ट किया था, बट मैं इस बार काफी इजीली कलेक्ट करने वाला हूँ। तो उसके लिए गाइस, हम फिर से जाने वाले वन ब्लॉक एट अ टाइम में, जहाँ पे हमने स्काई ग्रिड वाला डायमेंशन ओपन किया था। एंड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बेडरॉक के आसपास वही सेम कॉन्ट्रैप्शन बना दिया, जो कि हमने बैरियर और कमांड ब्लॉक के लिए भी बनाया था। बट अब मेन टेंशन है, क्या मैं बेडरॉक को भी कमांड ब्लॉक की तरह ऑब्टेन कर पाऊंगा? तो होप करते गाइस ये एक ही बार में हो जाए। लेट्स सी। ओ भाई साहब, फाइनली गाइस हमने बेडरॉक को भी कलेक्ट कर लिया है, एंड ये रहा गाइस हमारे वर्ल्ड का फाइनल एंड सबसे इलीगल आइटम। एंड फाइनली गाइस, हमें जितने भी इलीगल आइटम्स कलेक्ट करने थे वो हमने कलेक्ट कर लिए है। तो होप करते गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टा और डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो पे गाइस मैं एम करता हूं 10,000 लाइक्स का, तो प्लीज करवा देना। सो मिलते गाइस अगली वीडियो में। टिल देन, Goodbye.